हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो मैं आज फिर आपका दोस्त अनिल चौहान, जो आप मेरे YouTube चैनल में बहुत कमेंट कर रहे थे कि अपना गांव दिखाओ, तो मैं आपका कमेंट पढ़ के मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो चलो चलते हैं, हम लोग अपना गांव आप लोग को दिखाते हैं। गांव का जो मंडी है, जो हम लोग किसान भाई लोग यहां धान को विक्रेता करते हैं, तो उस जगह आ गए हैं। तो एक भाई से मिलेंगे, तो कब तक अपना मंडी चालू हो जाएगा उसके बारे में उससे पूछताछ करेंगे। चलो तो चलते हैं। तो गुड मॉर्निंग भाई, तो बताएंगे हमारे चैनल में कब तक मंडी खुल जाएगा। मंडी तो अभी लगेगा 15 दिन, कम से कम 15 दिन लग जाएगा। तो मेरा किसान भाई से निवेदन है कि 15 दिन बाद आप मंडी आके और टोकन कब तक, मतलब ये हो जाएगा, कोई मंडी खुलेगा फिर टोकन देगा। अच्छा, तो जैसे आपको टोकन नहीं कटवाए होंगे, तो टोकन जैसे मोबाइल से भी मेरा नेक्स्ट जो वीडियो है तो उसमें जाके भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से टोकन ऐप्स में आपका खुद मोबाइल से टोकन कटा सकते हैं, या तो नहीं भी है तो अपना नज़दीकी जो मंडी है उसमें जाके अपना टोकन कटवा लें और आप धान को बेच सकते हैं। तो भाई वो बता रहे हैं कि टोकन काटने के लिए 15 दिन वेट करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं, मेरा गांव में एक नया जो मजदूर लोग भाई लोग आते हैं, जिसका पास मतलब खुद का नल नहीं है और पानी का सुविधा नहीं है, तो उसके लिए शासन ने एक पानी टंकी खोल दिया है। तो अभी स्टार्टअप चालू हो गया है, लेकिन कहीं से अभी कनेक्शन ऑन नहीं किए हैं। तो अभी इसके लिए 15 से 20 दिन लग जाएगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं बताऊंगा कि चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारे गांव का ये नहर है, देख सकते हैं, और अभी सूखा पड़ा हुआ है और आगे भाई लोग मछली भी पकड़ रहे हैं, तो उसको वो मैं दिखाता हूँ। और यहाँ देख सकते हैं मछली पकड़ रहे हैं। गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बरगांव, जो बिना अनुमति के अंदर आना मना है। तो फिलहाल तो भाई को बोलेंगे, जो कैमरामैन है किशन चंद्रा, तो पूरा दिखाएंगे वीडियो को, ताकि मेरा जो सब्सक्राइबर भाई है। देख सकते हैं हमारे पुराने जो है, इसी मैं पढ़ाई किया हूँ, इसी से देख सकते हैं जो ये वाला स्कूल है, जो शासकीय वाला, तो इसमें बहुत पुराना याद है। इस किनारे में बैठता था मैं और सर लोग भी बहुत प्रमोट करते थे। अब ये सब जो अभी नए नए खुले हैं, ये अभी नया चालू हुआ है नए, अभी तो इसको मैं जानता नहीं हूँ कब स्टार्ट हुआ है। और ये वाले भी पुराना स्कूल है, देख सकते हैं। इसके जस्ट पीछे में आप हॉस्टल जो आपको दिखाया हूँ उधर में जाके, तो देख सकते हैं पूरा बाउंड्री किया हुआ है। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा यहाँ खो कबड्डी और बहुत सारे खेल कूद, तो यहाँ इसलिए बाउंड्री करके रखे हुए हैं, ताकि और दूसर गांव से बच्चों लोग को भी बुलाते हैं तो अच्छे से
करा सके, और गांव के भी कुछ प्रोग्राम जो होते हैं तो वो भी अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जो जगह है इसमें होलिका दहन होता है, और मेरे गांव के सभी भाई लोग और जो बड़े बुजुर्ग हैं चाचा और बहुत से जो यहाँ पर होलिका दहन के लिए आते हैं और बहुत उत्साहित के साथ यहाँ मनाते होली। और आप भी जैसे आना चाहोगे तो आ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा यहाँ का जो लोकेशन है उसको। तो ठीक है, आप आपको हम लोग ले चलते हैं जो गांव का प्रसिद्ध हम लोग का जो ठाकुर देव है उसका, इस वीडियो में बने रहे। और ये देख सकते हैं हमारे शीतला माता, और ठाकुर देव छज्जा निर्माण, तो इसको आप इग्नोर करें और देख सकते हैं बहुत अच्छे से। और कैमरा भाई को मैं बोलूँगा थोड़ा संदर्भ का कैप्चर भी करें। और यहाँ माता का जगराता भी होता है, और बहुत सारे भाई लोग यहाँ गणेश पूजा और अन्य प्रकार के प्रोग्राम भी करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट दूंगा कि फिर क्या क्या डेवलप हो रहा है मेरा गाँव में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आप लोग से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि मेरे वीडियो आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और